ये कहानी एक हॉस्टल की है। एक रूम में तीन लड़कियां रहती थीं, जया, रेशमा और पायल। एक दिन की बात है, ये तीनों गपशप कर रही थीं। मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत असल में होते होंगे रेशमा। मुझे यकीन है वो होते हैं। अच्छा, तो अब तक तुझे कोई भूत मिला क्यों नहीं? क्या पता, मेरी बहुत इच्छा है भूत देखने की। तो एक काम कर, तू इंटरनेट पे सर्च कर, जो सबसे इजी मेथड होगा ना वो ट्राई कर। ठीक है, अभी देखती हूँ। रेशमा ने अपना लैपटॉप खोला और भूतों को बुलाने के तरीके ढूंढने लगी। वो काफी देर तक ढूंढ रही थी, तभी उसने ब्लडी मैरी के बारे में पढ़ा। मिल गया। क्या? ब्लडी मैरी को बुलाना आसान है। रात को 12 बजे आईने के सामने खड़े रहकर मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लडी मैरी को आवाज देनी है, बस। और गेस व्हाट, अगर ब्लडी मैरी आ गई तो उससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। वो हमारा फ्यूचर तक बता सकती है। कितना अच्छा होगा ना? मैं तो उससे सब कुछ पूछ लूंगी। तुझे सच में ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा? यू नेवर नो, ट्राई करके तो देखने दे। अगर ब्लडी मैरी आ गई तो अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, कर ले। पर हमें यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई ब्लडी मैरी नहीं है। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। उस रात रेशमा 12 बजने का इंतजार करने लगी। 12 बजने से 2 मिनट पहले वो वॉशरूम गई। वहाँ उसने मोमबत्ती जलाई और जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, ब्लडी मैरी। रेशमा ने 3 बार पुकारा और फिर तेज आंधी आई और रेशमा की मोमबत्ती बुझ गई। क्या यार, लगता नहीं ये तरीका भी काम करेगा। मेरी तो कैंडल ही बुझ गई। कल इंटरनेट पे कुछ और तरीका ढूंढती हूँ ब्लडी मैरी को बुलाने का। रेशमा अपने बेड पर जाकर सो गई। पायल और जया पहले ही सो गई थी। रात में कमरे में अजीब बदबू फैल गई। बदबू से जया उठ गई और उसने पायल को भी उठाया। उन दोनों ने यहां वहां सूंघा तो वो बदबू रेशमा के बेड की ओर से आ रही थी। रेशमा, रेशमा, क्या हुआ? तू स्मेल कर रही है बहुत गंदे तरीके से। क्या? कुछ भी बोल रही है। रेशमा ने अपने कपड़े सूंघे और उसे भी सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। छी, मैं नहा कर आती हूँ। पता नहीं इतनी बदबू क्यों आ रही है। साबुन रगड़ रगड़ कर धोना। हाँ। रेशमा आधी रात को नहाने चली गई। रेशमा के जाते ही कमरे से बदबू चली गई। अच्छा हुआ ये बदबू चली गई। पर उसके शरीर से बदबू आ क्यों रही थी? अब ये मुझे क्या पता, वो आएगी तो उसी से पूछ लेंगे। कुछ देर बाद रेशमा नहा कर आई। इतनी बदबू क्यों आ रही थी रेशमा? पता नहीं, मैं जब सोई थी तो बदबू थी ही नहीं। हाँ, पर अचानक इतनी बदबू कैसे आने लगी? छोड़, जाने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम दोनों भी सो जाओ। ठीक है। और फिर रेशमा अपने बेड पर सो गई। उस रात कमरे में और भी कोई था, ब्लडी मैरी। अगली सुबह जब रेशमा उठी तो उसका बदन दर्द कर रहा था। अरे रेशमा, तेरी ब्लडी मैरी, उसका क्या हुआ? लगता है ब्लडी मैरी भी झूठ है, बाकी इंटरनेट फ्रॉड्स की तरह। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं यार, भूत होता है, मुझे यकीन है, भले ही ब्लडी मैरी एक फ्रॉड हो। रेशमा के ऐसा बोलते ही कमरे के सारे शीशों में दरार आ गई और एक साथ सारे शीशे टूट गए। तीनों सहेलियां डर गईं। कुछ देर बाद सब शांत हुआ
और तीनों अपनी अपनी क्लासेस चली गईं। कुछ देर बाद रेशमा क्लास छोड़कर कमरे में लौट आई। यहां रेशमा बेड पर अकेले बैठी थी। कुछ तो बहुत अजीब था। रेशमा की आंखें लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो गुस्से में बैठी हुई थी। जब पायल और जया लौटे तो रेशमा कमरे में नहीं थी और सारा कमरा उथल पुथल था। ये किसने किया? मुझे क्या पता? वो लोग रेशमा के लौटने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद रेशमा आई। रेशमा बहुत ही गुस्से में थी। उसकी सहेलियां उसे देखकर हैरान रह गईं। ये सब तूने किया? नहीं, तेरे अलावा और कौन था इस कमरे में? वो थी। वो कौन? रेशमा दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। वो थी। ये क्या वो कर रही है? नाम बोल, वहाँ कोई नहीं है। ब्लडी मैरी। क्या बकवास कर रही है? कोई ब्लडी मैरी नहीं है। तू हमें बेवकूफ समझती है क्या? वो देख, वहाँ खड़ी है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? रेशमा के अलावा ब्लडी मैरी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ कोई नहीं है रेशमा, वहाँ कोई नहीं है। पागल हो गई है ये लड़की, छोड़ी से। हम दोनों कमरा ठीक करते हैं। पायल और जया कमरे को ठीक करने लगे। उन दोनों को रेशमा की बात पर जरा भी यकीन नहीं था, पर रेशमा का बर्ताव बहुत अलग था। रेशमा डरी हुई थी। जया और पायल दोनों ने रेशमा को इग्नोर किया। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? पता नहीं महारानी को क्या हो गया है। छोड़, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। रात के 8 बजे थे। जया और पायल को मूवी देखनी थी। चल रेशमा, मूवी देखते हैं। तेरी फेवरेट मूवी डाउनलोड की है? नहीं, नहीं देखनी मुझे। नहीं देखनी तो मत देख, इतना चिल्ला मत। जया और पायल अकेले मूवी देखने लगी और यहाँ रेशमा अकेले में बड़बड़ाने लगी और दीवार की ओर एक टक देखे जा रही थी। जया और पायल का रेशमा की ओर ध्यान नहीं था। ब्लडी मैरी ने रेशमा को पूरे तरीके से अपने वश में कर लिया था। रात हुई और जया और पायल सो गए, पर रेशमा जागी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी। वो अपने हाथों और पैरों पर उल्टा चल रही थी। कुछ देर बाद वो दीवार को देखने लगी। फिर अचानक वो उठी और चलते चलते दीवार पर चढ़ गई। दीवार से होते हुए वो छत पर चलने लगी। अचानक जया की नींद खुली और रेशमा को छत पर चलता हुआ देखकर वो चिल्लाने लगी। पायल, पायल, उठ जल्दी, देख। दोनों सहेलियां रेशमा को देखकर डर गईं और कमरे से बाहर भाग गईं। रेशमा छत पे चलते हुए टेरेस पे चली गई। भूतों की तरह जोर जोर से हंस रही थी और वो टेरेस की दीवार पर खड़ी थी। मैरी, ब्लडी मैरी, मुझे क्यों बुलाया? अब मैं बदला लेकर रहूंगी। और बस इतना बोलकर रेशमा टेरेस से कूद गई। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई और झट से उसके शरीर से ब्लडी मैरी का भूत बाहर निकला और वॉशरूम के उसी शीशे में घुस गया और वो शीशा टूट गया। भूत प्रेत के अस्तित्व को साबित करने के चक्कर में रेशमा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्लडी मैरी कौन है, क्या है, ये किसी को नहीं पता, पर बुलाने पर वो आती जरूर है।
बस पायल और जया ही जानती थी कि उस खौफनाक रात में क्या हुआ। पुलिस भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। रेशमा की मौत एक रहस्य बन गया।